सर लॉग इन कर। हम लोगों ने फिर से, मैं एक बार ये ऐप तुमको रन करके दिखा दूं, मैं एक बार ऐप को रन करके दिखा दूं, ठीक है। एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है यहाँ पे, अभी हम लोग इसको रन करके देखेंगे। देखो तो ये हो गया हम लोग का एप्लीकेशन यहाँ पे। अरे यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रहा है, रुको। ये एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है यहाँ पे, हम लोग एक बार ट्राई करेंगे, पहले देख लेते हैं लास्ट टाइम जो किया था वो। ये तो मेरा, हाँ मैं, हम लोग पहले लॉगिन में जाएंगे। सबसे पहले लॉगिन में जाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे जाके मैं पहले लॉगिन कर लेता हूँ। हेलो सर, हेलो सर। हाँ सर आप क्या? रुकिए तो सर, हाँ इसमें आप वो हटा दीजिए तो। नहीं थे तो मैं यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड डालते हुए मैं, ठीक है क्या आ रहा है, चलो यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड डाल के हम लोग एक बार फिर से ये चेक कर लेंगे। तो ये यहाँ पे स्पेस आ चुका है, ये मैं यहाँ पे अभी लॉग इन कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे अभी हम लोग को देखना है, क्या हो गया फिर लॉग इन नहीं हो रहा मेरा। मैं यहाँ पे एक बार फिर से लॉग इन करता हूँ, तो यहाँ पे ये लॉग इन, ये यहाँ पे थोड़ा समय ले लिया हम लोग का। चलो मैं फिर से दिखाता हूँ, मैंने अभी एक अलग एक ईमेल अकाउंट से, जो पुराना वाला अकाउंट से मैं उसको हटा के नया अकाउंट में क्रिएट करके इसको लॉग इन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये लॉग इन हो रहा है कि देखते हैं हम लोग, लॉग इन सक्सेसफुल हो गया। अभी यहाँ पे हम लोग एक बार जस्ट, ये हमारा फायरबेस डाटाबेस है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग रियल टाइम डाटाबेस में आके देखेंगे डाटा अपलोड होता है कि नहीं, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग। तो मैं यहाँ से कुछ एंट्री करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया अनिल, ठीक है अनिल, उसके बाद दे दिया एड्रेस, मैंने दे दिया गुवाहाटी, ठीक है, और फोन नंबर ऐसे कुछ डाल दो हम राफ, और देखते हैं यहाँ पे ऐड करते हैं। तो डाटा अपलोड सक्सेसफुली, देखते हैं यहाँ पे आएगा कि नहीं। देखो यहाँ पे आ चुका है, नेम अनिल, फोन दिस एड्रेस गुवाहाटी। अच्छा यहाँ पे एक बात है, देखो अभी फर्स्ट समझ लो, से फॉर एग्जाम्पल फिर से मैं एक नया एंट्री कर रहा हूँ, जैसे ये मैंने तो कर दिया, ठीक है, फिर से मैं दूसरा और एक यूजर का डालना चाहता हूँ। जैसे मैंने इस बार दिया रोहन, सेकेंड यूजर मैंने डाला रोहन, ठीक है, एंड उसका मैंने एड्रेस दे दिया, से मैंने दे दिया जोरहाट, ठीक है। मैं और एक यूज़र अकाउंट यहाँ पे डाल रहा हूँ, एंड इसका भी ऐसे ही कुछ फ़ोन नंबर मैंने हल्का सा चेंज कर दिया। फिर से मैं इसको ऐड करूँ तो देखना क्या होगा। देखो पुराना वाला ओवरराइट हो गया, बस समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, जो पहले अनिल था वो ओवरराइट होके यहाँ पे अभी रोहन आ चुका है, 1 2 3 4 जोरहाट आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मल्टीपल डाटा डाल रहे हैं, मल्टीपल एंट्री कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जो पुराना वाला रिकॉर्ड वो ओवरराइट हो जा रहा है। तो इसको कैसे ठीक करना है ये हम समझ लेते हैं पहले हम लोग, ठीक है। क्यों, इसका भी सोल्यूशन है, एंड इसका सोल्यूशन क्या है, यहाँ पे जब हम लोग ये कोडिंग में चलते हैं, हम लोग अपना कोडिंग में चलते हैं, यहाँ पे हम लोग लॉग इन कौन सा है, होम एक्टिविटी होगा ना, हाँ होम एक्टिविटी में जाएंगे, और यहाँ पे जो हम लोगों ने डाटा अपडेट दिया था, देखो यहाँ पे देखो, ये देखो डॉट चाइल्ड स्टूडेंट्स अपडेट, यही कोड था ना, इसके थ्रू ही हम लोग क्या कर रहे थे, डाटा अपलोड कर रहे थे डाटाबेस में। तो यहाँ पे जस्ट तुमको एक और मेथड लगा देना है, मेथड का नाम हो गया पुश मेथड। तो इससे क्या होता है कि इससे ये होता है कि तुम्हारा जो भी नया एंट्री होगा, एक एंट्री करने के बाद जो सेकेंड एंट्री आएगा, वो पुराना एंट्री को ओवरराइट नहीं करेगा, एक यूनिक आईडी लगा देगा हर एंट्री के साथ, हर एंट्री के साथ एक यूनिक आईडी लगा के, मतलब वो यूनिक आईडी उसका पेरेंट होगा, और उसके नीचे एज ए चाइल्ड ये सभी एंट्री आएगा। मैं एक बार दिखाता हूँ करके, ठीक है, और फिर यहाँ पे अपडेट चिल्ड्रेन लगा देंगे हम लोग, और यहाँ पे मैप को पास कर देंगे, ये पुराना वाला है इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं एक बार करके दिखाता हूँ, देखो मैं जस्ट यहाँ पे पुश लगाता हूँ, तो पुश से क्या होता है कि एक यूनिक आईडी जनरेट होगा हर एंट्री के अगेंस्ट में। तो इसको एक बार मैं रन करके दिखाता हूँ, तब समझ में आएगा। फिर से मैं एक बार इसको रिबिल्ड करता हूँ और रीरन करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके चेक करेंगे। तो थोड़ा इसको बिल्ड हो जाने दो पहले। तो जैसे अभी अभी से अभी तो पुराना वाला एक रिकॉर्ड ऑलरेडी, अच्छा यहाँ पे हम लोग इसको डिलीट करते हैं, फिर से नया से करेंगे, ठीक है, इसको पूरा का पूरा हम लोग डिलीट कर देंगे, नया से करके देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखना अभी ये शायद, हाँ ये लॉन्च हो चुका है, अभी यहाँ पे हम लोग इसको रन करके देखेंगे। तो मैं यहाँ पे फिर से तुमको रन करके दिखाता हूँ इसको, ठीक है, एंड ये क्या है, ठीक है। तो फिर से मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे, ये सब ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि
ये जैसे देखो फिर से मैं यहाँ पे ये जो तुम्हारा डाटाबेस को ओपन करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे फिर से डाल रहा हूँ इसे समथिंग कुछ डाल रहा हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी से जल्दी जल्दी मैं कुछ डाल दे रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 डाल दिया, ऐड किया, तो देखो यहाँ पे आएगा। अभी देखो इसका एक यूनिक आइडिया आया, फिर से मैं एक नया एंट्री डालता हूँ, समझ लो मैंने इसको हटाया, दूसरा कुछ एंट्री डाल दिया, ठीक है, मैंने दूसरा कुछ एंट्री डाल दिया, इसका भी बेसिक चेंज कर दो, फिर से ऐड करो। देखो ये देखो अभी पुराना वाला ओवरराइट नहीं हुआ, इसका एक यूनिक आईडी आ गया, पहला वाला का ये नेम एंड फोन नंबर एड्रेस, सेकंड वाला का ये फोन नेम, ये इस तरह से, ठीक है, वन सेकंड रुको, ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट तुमको अभी, ठीक है। अभी यहाँ पे अभी हम लोग, चलो ये तो हो चुका है, अभी हम लोग अपलोड करने का तो समझ गया आ चुका है, अभी हम लोग इसको डिस्प्ले कराने का काम करते हैं। तो एक काम करते हैं, डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग अपने एप्लीकेशन में चलते हैं, यहाँ पे एक नया एक्टिविटी ले लेंगे हम लोग, मतलब और अलग से एक एक्टिविटी, यहाँ पे सिर्फ डाटा रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड को शो किया जाएगा, डिस्प्ले किया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक काम करेंगे, एक नया एक्टिविटी यहाँ पे क्रिएट करेंगे, न्यू कहाँ गया ये एक्टिविटी, और एम्प्टी एक्टिविटी ले लेंगे हम लोग, ठीक है, और इसका हम लोग नेम दे देंगे शो एक्टिविटी, इसका नाम, मतलब यहाँ पे दिखाने का काम करेंगे हम लोग, शो एक्टिविटी, शो एक्टिविटी, ठीक है, एंड इसको करते हैं फिनिश। अच्छा, और एक काम करेंगे इन द मीन टाइम, ये जो हमारा मेन होम एक्टिविटी है इसमें एक बटन लगा देंगे, शो का बटन लगा देंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट में लॉग इन करने से तो होम एक्टिविटी आएगा ना, तो होम एक्टिविटी का यहाँ पे हम लोग इसे यहाँ पे ऐड है, और नीचे और एक बटन लगा देंगे जाके वहाँ पे क्लिक करने से शो एक्टिविटी वाला लॉन्च हो जाए, ठीक है। तो ये जो है ये कौन सा बटन हो गया, ये लॉग आउट का बटन है, ये कौन सा, अच्छा ठीक है, हाँ इसी के नीचे देना होगा, एट का नीचे, ठीक है, एट बटन का नीचे हम लोग, रुको ये थोड़ा बिल्ड हो रहा है, तो अच्छा इसको होने दो, हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, अभी फिलहाल ये जो है इसको कॉपी कर लेंगे, एट वाला बटन को यहाँ पे कॉपी करने के बाद जो है इसका नीचे आके इसको पेस्ट करते हैं, मतलब नया और एक बटन होगा, तो इसको मैंने कॉपी किया, इसको ऐड को ना, तो यहाँ पे इसका आईडी चेंज करेंगे, इसका आईडी कर देंगे हम लोग #SOW शो, एंड ये तो इसका आईडी हो जाएगा, एंड और क्या करना पड़ेगा, इसका टेक्स्ट जो करना है शो करना है, टेक्स्ट को कर देंगे शो, एंड उसके बाद और क्या करना होगा, हाँ ये जो है अभी तो दोनों एक दूसरे का ऊपर ऑपरेट कर रहा है ना, तो यहाँ पे लेआउट बिलो में, ये जो लेआउट बिलो है ये 8 बटन का नीचे आना चाहिए, यहाँ पे इसको लिख देंगे हम लोग 8, ताकि ये 8 बटन का नीचे कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, इस बटन का नाम क्या है 8, हाँ ठीक है नीचे आया, अभी भाई ये तो बहुत एक बार ऊपर नीचे निकल जाता है, ये बात नहीं नीचे आ गया, ठीक है बस इतना सा ही काम है, एंड तो यहाँ पे मतलब इस तरह से दो बटन रहेगा, ठीक है, तो अगर इसको इस तरह देखोगे तो लाइक दो बटन रहेगा। अच्छा अभी क्या करना है, इस बटन को मुझे गेट करना है यहाँ पे होम एक्टिविटी में जाके, इसको मुझे गेट करना है, तो इसको मैं गेट करने के लिए फिर से ये बटन वाला और एक मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, कॉपी करते हुए मैं यहाँ पे लगा दूंगा इसको शो, इसका नाम दे दूंगा मैं शो, और शो बटन को भी यहाँ पे हम लोग इसके जैसा ही हम लोग इनिशियलाइज करेंगे, यहाँ पे नाम होगा इसका शो #SOW शो, और जो बटन है बटन का नाम क्या होगा वो भी होगा, आईडी है शो, हम लोगों ने आईडी तो शो ही रखा था, और इसके ऊपर हम लोग एक क्या लगा देंगे, ऑन क्लिक लिसनर लगा देंगे, शो डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर, और इसके अंदर क्या होगा हमारा वो एक्टिविटी इंटेंट का एक्टिविटी लगा देंगे, तो स्टार्ट एक्टिविटी इसके अंदर लिखेंगे न्यू इंटेंट, यहाँ पे क्या चीज़ पास करना होगा, होम एक्टिविटी डॉट दिस, इस एक्टिविटी का नाम तो ये होगा होम एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा, उसके बाद कौन सा शो एक्टिविटी में जाना है इसीलिए शो एक्टिविटी डॉट क्लास कर देंगे, ठीक है शो एक्टिविटी डॉट क्लास कर देंगे, बस इतना सही काम है, बस जब इस बटन में जब क्लिक हो तो ये वाला एक्टिविटी लॉन्च होना चाहिए। अभी हम लोग जाएंगे शो एक्टिविटी में, और यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो शो एक्टिविटी वाला है इसका हम लोग लेआउट फाइल में जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग जो डाटा शो कराने का काम करेंगे, तो यहाँ पे डाटा शो कराने के लिए काम करते हैं, इसके अंदर पहले तो एक लीनियर लेआउट में ले लेता हूँ, ठीक है, एंड इसका हम लोग विड्थ देंगे मैच पेरेंट,
और ये कर देंगे रैप कंटेंट हाइट, एंड यहाँ पे इसका आईडी देंगे हम लोग। आईडी मैंने दे दिया इसका, इसका आईडी देने की जरूरत नहीं है कोई भी, इसी जब लीनियर एल भी कर दिया चलो। एंड उसके बाद इसमें पेडिंग लगा देंगे, पेडिंग पेडिंग जैसे मैंने 30 SP कर दिया, 30 ज़्यादा हो जाएगा, 20 SP कर दो ठीक है। एंड इसका पेडिंग देने का जरूरत नहीं है, इसमें पेडिंग देने की जरूरत नहीं, बस इतना सही रहने दो। एंड इसको हम लोग यहाँ पे करेंगे क्लोज, और इस लीनियर लेआउट के अंदर हम लोग डालेंगे एक लिस्ट व्यू ठीक है, यहाँ पे हाँ ए लीनियर लेआउट, अच्छा चलो लिस्ट व्यू डालेंगे यहाँ, लिस्ट व्यू, और लिस्ट व्यू का विड्थ तो होगा मैच पेरेंट करेंगे, हाइट कर देंगे हम लोग क्या करेंगे, हाइट को रैप कंटेंट करते हैं, हाइट को हम लोग चलो रैप कंटेंट ही कर देता हूँ मैं, या तो हाइट एक डिफाइन कर देता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे 500 SP कर दिया तभी थोड़ा दिख में समझ में आए कि कितना हाइट का है ठीक है। SP कर दिया मैंने 500 SP, एंड इसका आईडी देना होगा, आईडी मैंने दे दिया लिस्ट व्यू LISTVIEW लिस्ट व्यू, एंड दैट्स ऑल, और कुछ करना है क्या, बस अगर जरूरत पड़े बाद में कर लेंगे। एंड यहाँ पे काम करेंगे इसका पेडिंग लगा देंगे, इसका पेडिंग लगा देंगे, हाँ इसका पेडिंग लगाने से बेहतर होगा, 2 SP थोड़ा ये लिस्ट भी थोड़ा अंदर से आ जाएगा देख सकते हो ठीक है। हो गया ऑलमोस्ट काम हम लोग का यहाँ पे लिस्ट व्यू का, एंड चलो ठीक है ये जो लिस्ट व्यू है, और यहाँ पे चाहे तो एक और एक बटन लगा सकते हो बैक बटन, फिलहाल मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ, कर लेना ये सब ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे शो होगा ठीक है, इसको पूरा, अच्छा लिस्ट व्यू में शो होगा, इसको पूरा ही कर लेते हैं हम लोग, 6 कर थे मैंने 7 कर लेते, और नहीं तो एक काम करते हैं इसको मैच पेरेंटिंग बेहतर होगा, ये सब करने क्या जरूरत है, मैच पेरेंटिंग कर दो ठीक है, मैच पेरेंटिंग नहीं, ये मैच पेरेंट में आ रहा है वही ठीक है मेरा 650 ओके फाइन ठीक है। अभी क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे ये लिस्ट भी हम लोग ने ऐड कर दिया, अभी यहाँ पे इसका काम हो गया, अभी ये जो है एक्टिविटी शो कहाँ गया, शो एक्टिविटी में आएंगे हम लोग, और ये लिस्ट व्यू के यहाँ पे गेट करना होगा, तो यहाँ पे एक हम लोग लिस्ट व्यू टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट ले लेते हैं हम लोग, लिस्ट व्यू टाइप का एक वेरिएबल बना देंगे, लिस्ट व्यू टाइप का मैंने लिस्ट व्यू एक वेरिएबल बना लिया, इसको गेट करेंगे यहाँ पे हम लोग, लिस्ट व्यू को गेट करेंगे, टाइप कास्ट करेंगे लिस्ट व्यू के साथ, इसको फाइंड व्यू बाय आईडी, और यहाँ पे लिखना है आर डॉट आई डी डॉट, क्या था उसका नाम, लिस्ट व्यू था आई थिंक, हाँ लिस्ट व्यू। तो ये काम हो चुका है, एंड अभी यहाँ पे डाटा को, यहाँ पे देखो लिस्ट व्यू में डाटा को शो कराने के लिए पहले भी हम लोगों ने किया था एरे एडेप्टर, तुमको शायद याद होगा ठीक है, अलग अलग तरह का एडेप्टर होता है, तो उसमें से एक हो गया एरे एडेप्टर, तो हम लोग यहाँ पे आज एरे एडेप्टर यूज करेंगे। तो पहले तो हम लोग एक एरे लिस्ट लेंगे, एक एरे लिस्ट, उस लिस्ट में डाटा को हम लोग इंसर्ट करेंगे, और उस लिस्ट में जो भी डाटा रहेगा उसको हम लोग एडेप्टर में, एडेप्टर के थ्रू क्या करेंगे, लिस्ट व्यू में शो करा देंगे। तो पहले तो लेंगे एरे लिस्ट ठीक है, पहले क्या लेना है एरे लिस्ट, एंड यहाँ पे मैं स्ट्रिंग टाइप का एक एरे लिस्ट ले रहा हूँ, स्ट्रिंग टाइप का एक एरे लिस्ट, एंड उसके बाद इसका नाम तुम कुछ भी दे दो, यहाँ पे मेरा एस होगा कैपिटल ठीक है, और इसका मैंने एक, मतलब मैंने एक एरे लिस्ट का मैंने एक वेरिएबल न्यू बनाया, बना लिया न्यू एरे लिस्ट, इतना गलती होती मेरे कोडिंग में, एरे लिस्ट ठीक है। तो ये हो गया एक लिस्ट, एरे लिस्ट टाइप का मैंने एक लिस्ट वेरिएबल लिया, उसके बाद एडेप्टर का भी एक मुझे एडेप्टर क्लास का भी मुझे बनाना पड़ेगा, एरे एडेप्टर ठीक है। तो पता है तुमको एरे एडेप्टर मैंने ले लिया एडेप्टर, एंड यहाँ पे लिखूंगा मैं न्यू, ये तो मैं फिर यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, तुमको शायद पता है पहले क्या था सब चीज़ हम लोग ठीक है। और यहाँ पे न्यू एरे एडेप्टर जो है ये मैं करता हूँ इसको स्ट्रिक टाइप का, इसलिए इस तरह से ही हो रहा है ठीक है। अच्छा अभी यहाँ पे एरे एडेप्टर मैंने ले लिया न्यू एरे एडेप्टर ठीक है, एडेप्टर टाइप क्या इसका मैंने, अच्छा एक सेकंड रुको। तो अभी ये जो मैंने एरे एडेप्टर का वेरिएबल लिया इसमें मुझे कुछ पैरामीटर इसमें कुछ पास करना पड़ेगा वैल्यू, पहले तो क्या, पहले मुझे कॉन्टेक्स्ट पास करना होगा, तो कॉन्टेक्स्ट होगा मैंने पास कर दिया दिस ठीक है। उसके बाद मुझे क्या देना होगा, लेआउट रिसोर्स ठीक है। तो लेआउट रिसोर्स मतलब तुमको पता है पहले हम लोग जब लिस्ट व्यू का काम किया था, मतलब जो भी लिस्ट व्यू में जो आइटम को शो कराना है तो उस हर आइटम के लिए एक हम लोग को एक सिंपल लेआउट चाहिए होता है,
तो यहाँ पे पहले से ही बना बनाया सिंपल लेआउट है जो हम लोग यहाँ से उठा लेंगे उसको एंड्रॉयड, या तो तुम खुद भी रियल बना सकते हो या तो यहाँ से उठा लो android.r.layout। ये शायद तुमको याद होगा पहले हम लोगों ने किया था सिंपल लिस्ट आइटम वन, इस तरह से एक लेआउट का हम लोग यहाँ से उठा लेंगे। ठीक है, ये कहाँ चला गया। और फिर ये जो लिस्ट हम लोगों ने एरे लिस्ट बनाया है इसको यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा एरे लेटर बन चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वो जो लिस्ट व्यू है उसके साथ लिस्ट व्यू के साथ इसके साथ लिस्ट व्यू डॉट सेट एडेप्टर करेंगे और इसको एडेप्टर को यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक काम हो चुका है। अभी क्या करना है हम लोग को, गेट का, अच्छा अभी डाटाबेस से डाटा गेट करने का काम करना है, तो उसके लिए दो चीज़ करना होगा। एक तो हम लोग डाटाबेस का एक रेफरेंस लेंगे, रेफरेंस वेरिएबल, डाटाबेस रेफरेंस टाइप का एक रेफरेंस वेरिएबल लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे डेटाबेस रेफरेंस, रेफरेंस इक्वल्स टू क्या लेंगे, फायरबेस डाटाबेस लिखेंगे यहाँ पे, फायरबेस डाटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस एंड डॉट गेट रेफरेंस। और ये किसका रेफरेंस लेंगे, वो डॉट चाइल्ड वाला। ठीक है, डॉट चाइल्ड क्या था उसका, डॉट चाइल्ड था हमारा स्टूडेंट। ठीक है, तो हम लोग स्टूडेंट का ही एक रेफरेंस यहाँ पे ले लेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे अभी ये जो रेफरेंस वेरिएबल बनाया है हमने, इसके साथ इसका एक मेथड है, इसका जो मतलब डाटा को गेट करने के लिए जो मेथड है एड वैल्यू इवेंट लिसनर, उसको कॉल करेंगे। ये पहले क्या था शायद तुमको याद होगा, एड वैल्यू इवेंट लिसनर का काम, तो एड वैल्यू इवेंट लिसनर को यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे new value event। ठीक है, तो ये बाकी मेथड यहाँ पे ओवरराइड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे जो है इसके अंदर हम लोग कोडिंग करेंगे स्नैपशॉट, जो डाटा स्नैपशॉट स्नैपशॉट वाला लिखा हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले तो हम लोग लिस्ट में अगर पहले से ही कुछ डाटा है तो उसको क्लियर कर लेंगे। सेकंड हम लोग क्या करेंगे, एंड सेकंड हम लोग जो, क्योंकि यहाँ पे तो मेरा जो यहाँ पे जो तुम्हारा डाटा होगा वो तो मल्टीपल होगा ना, तो इसीलिए हम लोग लूप चला के इन मल्टीपल डाटा को एक एक करके उठा के लिस्ट व्यू में शो कराएंगे। लूप चलाना होगा, तो लूप कैसे चलाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर लूप लगा देंगे और इसका जो भी है यहाँ पे लिखेंगे इसका कोड। फॉर लूप में क्या पास करना है, ये जो डाटा स्नैपशॉट टाइप का एक वेरिएबल हम लोग पहले बनाएंगे, डाटा स्नैपशॉट, डाटा मैंने गलत लिखा, डाटा स्नैपशॉट टाइप का मैंने एक स्नैपशॉट वेरिएबल ले लिया, स्नैपशॉट। ठीक है, एंड स्नैपशॉट तो पहले से ही है, ये पहले से ही है, इसीलिए हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पे डाटा स्नैपशॉट लिख लेते हैं। ठीक है, ये ले लिया, एंड उसके बाद यहाँ पे देना है कॉलन, फिर लिखना है डेटा snapshot.getChildren। ठीक है, तुमको पता है यहाँ पे हम लोगों ने पहले किया था ये सब चीज़ें गेट चिल्ड्रेन। और यहाँ पे क्या करेंगे, वो लिस्ट के साथ ऐड कर देंगे, लिस्ट डॉट एड, क्या ऐड करना है सर, हेलो सर, लिस्ट डॉट क्लियर ये आपने लिखा है क्या सर? हाँ मैंने लिखा है, मैंने मतलब अगर लिस्ट में पहले सर, ये डाटा है वो क्लियर कर देगा, उसको रिफ्रेश करके रिफ्रेश करती है वो उसको लोड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है स्नैपशॉट डॉट एंड गेट वैल्यू। ये सब देखो कोड तो मैंने पहले किया था, समझाया तुम लोगों को, अभी इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो इसको टू स्ट्रिंग में पास करते हुए यहाँ पे शो करा देंगे, मतलब बस यहाँ पे हम लोगों ने एक काम किया, ये फॉर लूप लगा दिया। क्यों लगाया, क्योंकि अभी तो यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू होगा ना, मल्टीपल वैल्यू है, एक तो नहीं एक ये है एक ये है, सबका शो कराना है, इसीलिए मैंने फॉर लगा दिया। तो फॉर डाटा स्नैपशॉट, स्नैपशॉट मतलब स्नैपशॉट के थ्रू उसका जितना भी चिल्ड्रेन है एक एक कर उठा के लाओ और उन चिल्ड्रेन को लिस्ट में ऐड कर दो, बस यही है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हुए। एंड बस ऑलमोस्ट कोड हो चुका है हम लोग का। यहाँ पे और एक यहाँ पे लिखना है एडेप्टर डॉट ये नोटिफाई डाटा सेट चेंज, ये तुम यहाँ पे ले देना। ठीक है, तब एडेप्टर को मतलब अगर कोई भी चेंज हुआ तो एडेप्टर को रिफ्रेश करना है। अच्छा यहाँ पे ये हो चुका है ऑलमोस्ट कोड, हम लोग एक बार चलो इसको हम लोग रन करके देखते हैं क्या होता है। अच्छा कुछ इरोर यहाँ पे है, यहाँ पे देखो ये कुछ इरोर है, तो कहाँ पे है थोड़ा एक बार तुम देखो, तो मुझे भी जल्दी हो जाएगा, मैं एक बार इसको पॉज कर। ठीक हो गया, अभी हम लोग इसको रन करके देखेंगे। ठीक है, तो पुराना वाला को क्लोज करते हैं, नया वाला को रन करते हैं, और इधर से मैं ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, थोड़ा सा में लॉन्च हो जाएगा और इन द मीन टाइम हम लोग इधर से भी इसको चेक करेंगे। इधर क्या स्टूडेंट्स है ना, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे सही नेम दिया है स्टूडेंट्स चिल्ड्रेन का, हाँ यहाँ पे गलत दिया, देखो स्टूडेंट्स होगा यहाँ पे है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये फिर से एक बार रीलोड करना पड़ेगा हम लोगों ने, तो नहीं आएगा। एक बार मैं फिर से यहाँ पे चेक कर लूँ सही नेम है कि नहीं स्टूडेंट्स, और यहाँ पे भी मुझे फिर से लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स
एंड यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स ही होगा, तो ये तो इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन फिर से करना पड़ेगा क्योंकि नाम गलत है। नेट इतना स्लो चल रहा है क्या, तो चलो इसको फिर से एक बार ऑन करेंगे। ये तो अभी हो गया लेकिन काम नहीं होने वाला है क्योंकि स्टूडेंट्स हैं। फिर से इसको क्लोज करते हुए फिर से आप लोग री ऑन करेंगे, अभी जल्दी हो जाएगा, गाड़ी बिल समय नहीं लगा, एक बार ऑलरेडी बिल हो चुका है ये। ठीक है, हेलो सर। हाँ, लाइन नंबर 44 में एडेप्टर डॉट नोटिफाई डाटा सेट चेंज, ये क्या करते हैं सर? एक सेकंड, पहले मैं इसको रन कर लूँ। इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पे देखते हैं आपको सक्सेस हो चुका है। चलो पहले तो हम लोग यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे, एंड लॉगिन के लिए डेटा अकाउंट वाला जो मैंने यूज़ किया था और पासवर्ड मैंने वही पुराना वाला, जैसे यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे एक्चुअली वेरिफिकेशन का काम बहुत, जैसे यहाँ पे पासवर्ड में टाइप कर रहा हूँ, पासवर्ड शो हो रहा है प्लेन टेक्स्ट में, एक्चुअली होना नहीं चाहिए, यहाँ पे डॉट होना चाहिए, तो ये सब काम सब अलग सा काम है, ऑप्शनल काम है, तो अभी नहीं करेंगे ये सब। हम लोग लॉगिन करता हूँ मैं यहाँ पे, एंड ये लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। अच्छा, रिकॉर्ड तो ऑलरेडी एंट्री है, फिर भी मैं एक और रिकॉर्ड डाल देता हूँ, जैसे मैंने दे दिया पिंकी एड्रेस, मैंने ऐसे ही कुछ डाल दिया, फ़ोन नंबर मैंने ऐसे ही कुछ डाल दिया, देते हैं अपलोडेड सक्सेसफुली। अभी चेक करना है हम लोग को शो बटन में, शो बटन में क्लिक करते ही नया एक्टिविटी लॉन्च होगा। बाबा जी क्या, अच्छा सही है, ठीक है सही आ रहा है, मतलब पूरा आईडी के साथ आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? देखो यहाँ पे डाटा आ रहा है, देखो ये देखो एड्रेस दिस फोन नंबर 345, यहाँ पे देखो तुम चेक कर सकते हो, ये देखो एड्रेस, मतलब यहाँ पे जो हम लोगों ने लिस्ट आइटम बनाया ना इसको, ये नॉर्मल व्यू में आ रहा है। तुम चाहे तो इसको और भी एडवांस मतलब बेहतरीन तरीके से इसको यहाँ पे शो करा सकते हो, फिलहाल वो सब भी नहीं जा रहा, लेकिन यहाँ पे मेरा डाटा बेस डाटा आके यहाँ पे शो हो रहा है। देखो यहाँ पे फोन नंबर नेम, ये देखो उसका यूनिक आईडी के साथ आ रहा है, ठीक है एड्रेस, फिर ये पहला वाला हो गया, फिर ये सेकेंड वाला हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये सही सही तुम्हारा आउटपुट यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है, एक चीज़ यहाँ पे क्या हो रहा है मैं बोल रहा हूँ, जस्ट वेट, मुझे वो ठीक करना पड़ेगा। ये एक चीज़ क्या हो रहा है कि यहाँ पे तीन बार आ गया, ठीक है डाटा तुम्हारा तीन बार शो हो गया, मतलब वही रिपीट हो गया कि ये एड्रेस, ये देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ये सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट हुआ, यहाँ पे रिपीट हुआ, तीन बार हुआ, तो मैं ये ठीक करूँगा। तो ये मैं अभी नहीं, अभी मेरा सेकेंड क्लास का टाइम हो गया, मैं अगला क्लास में तुमको ठीक करके बोल दूंगा मैं क्यों हो रहा है ये। मुझे तो यहाँ पे एक ही बार लाना है ना, तीन बार आ रहा है यहाँ पे, तो ठीक है। लेकिन हम लोगों ने वहाँ पे जो डाटा, अच्छा यहाँ पे ठीक है, लिस्ट डॉट एड क्या था ना मेरे ना, यहाँ पे लिस्ट डॉट एड, तो यहाँ पे मैंने ये कोड कहाँ पे, सर फोन बुक के बदले से कर रही क्या सर? हाँ हाँ फॉर लूप के वजह से हो रहा है क्या सर? हाँ फॉर लूप के वजह से, हाँ लूप का ही इशू है।